रुपए में लगातार कमजोरी का रुख जारी है और बाजार खुलने के साथ ही रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे टूटकर 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर रहा। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 68.36 पर खुला है, जबकि मंगलवार को रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ था। हालांकि माना जा रहा है कि घरेलू शेयर बाजारों के ऊंचे स्तर पर खुलने से रुपए में गिरावट संभल जाएगी। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार निर्यातकों की ओर से अमेरिकी डॉलर की भारी मांग, विदेशी कोषों द्वारा की जा रही लगातार निकासी और विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती से भी रुपया गिरा है। वहीं बताया जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर 13 साल की ऊंचाई पर है और शेयर बाजारों में गिरावट से रुपए पर दबाव बढ़ा है। इस महीने के दौरान रुपए में करीब 3.7% की कमजोरी आ चुकी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप सरकार आने वाले दिनों में चुनावी वादों के मुताबिक टैक्स में कटौती के साथ साथ सरकारी खर्च में कटौती करने का फरमान दे सकती है। इन दोनों कटौती के असर से डॉलर मजबूत होने की उम्मीद पर बीते 2 दिनों से मुद्रा बाजार में डॉलर सबकी पसंद बना हुआ है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग तेज है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि रुपए पर पहले से ही नोटबंदी का दबाव है, अब डॉलर की मजबूती रुपए के लिए दोहरी चोट साबित हो रही है। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तो वहीं नोटबंदी ने भी भारतीय बाजार में मंदी ला दी है। देखते रहिए डीबी लाइव।